हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो गाइस, आप लोग टाइटल से समझ गए हो, आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मनीष मल्होत्रा के ये फेल्ट टिप लाइनर्स, और इसमें 4 शेड्स आते हैं, चारों ही शेड्स मेरे पास हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटर पैकेजिंग। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आती है, ब्लैक एंड गोल्ड कलर में, जो कि मनीष मल्होत्रा का यू नो सिग्नेचर पैकेजिंग जिस टाइप से आती है। 3 ईयर्स की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है, विच इज़ गुड। और इसकी प्राइस है 895 रुपीज़। नाउ 895 रुपीज़ इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर एन आई लाइनर, बट माई ग्लैम पे आपको कभी भी यू नो प्राइस की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट, डील्स चलते रहते हैं, तो आपको कभी भी MRP पे चीज़ें नहीं मिलती। क्वांटिटी इसमें है सिर्फ 1 ml की, तो 1 ml थोड़ी सी कम क्वांटिटी होती है। एंड बाकी इसमें यू नो इंग्रीडियंट लिस्ट वगैरह दी हुई है, देन दिस इज़ ग्लूटेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, पैराबेन फ्री वगैरह वगैरह। एज वी ऑल नो माई ग्लैम इज़ अ क्रूल्टी फ्री वीगन ब्रांड, एंड ये सारी चीज़ें आपको आउटर पैकेजिंग पे मेंशन मिल जाती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इनर पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस। इट इज़ क्वाइट स्लीक, लाइक काफ़ी अच्छी स्लीक पैकेजिंग है इसकी। अगेन वाइट एंड गोल्ड में है, एंड इसी पे ही आपको एक्सपायरी डेट वगैरह भी मेंशन मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज इफ़ यू गेट रिड ऑफ द आउटर पैकेजिंग तो इनर पैकेजिंग पे सब कुछ मेंशन है, दैट इज़ ग्रेट। शेड्स वगैरह मेंशन है, क्वांटिटी मेंशन है, एंड दिस इज़ मेड इन जर्मनी। नाउ इन चारों आई लाइनर की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगी कि इस पे नीचे ना कलर्ड कोडेड सिचुएशन मिल जाती है, बिकॉज ऊपर से तो सबकी पैकेजिंग सेम है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट विच शेड इज़ वॉट अगर आपके पास सारे शेड्स हैं तो ये चीज़ अच्छी है कि आउटर में ना कलर कोडिंग दी हुई है। आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ब्राउन, दिस इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ ब्लू, सो दैट इज़ ग्रेट, बिकॉज आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा बहुत इनकी अच्छी लगी, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम फॉर दिस, कि इन्होंने जो कलर कोडिंग दी है ये नीचे दी है, बॉटम में दी है, ये ऊपर नहीं दी है, विच इज़ ग्रेट। आई विल टेल यू वाई, बिकॉज दीज आर फेल्ट टिप लाइनर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से स्टोर करोगे ना, तो सारी इसकी जो इंक है वो नीचे आके सेटल हो जाती है, विच मेक्स द प्रोडक्ट ड्राई, लाइक ऊपर से जो ये इसकी टिप है वो ड्राई होने लगती है, एंड ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। लाइक ब्लू वाला जो मेरा शेड है वो ड्राई हो गया था, तो मुझे उसे थ्रो करना पड़ा था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने यू नो बॉटम में दी हुई है कलर कोडिंग, बिकॉज इन दैट वे आप इसको इस तरीके से स्टोर कर सकते हो अपसाइड डाउन, और जो इंक है वो टिप के पास रहेगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये टिप मैं आपको भी देना चाहूँगी कि अगर आपके पास यू नो लिक्विड लाइनर्स हैं, मस्काराज हैं, या फिर आपके पास ऐसे इस टाइप के फेल्ट टिप लाइनर्स हैं, तो आपको उन्हें अपसाइड डाउन हमेशा स्टोर करना है, सो दैट उसकी जो इंक है वो ऊपर रहे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। और एक चीज़ आपको इसके साथ हमेशा ध्यान देनी होगी कि सिंस दीज आर फेल्ट टिप लाइनर्स, तो आपको इन्हें अच्छे से यू नो इसकी कैप जो है वो बंद करके रखनी है, अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर जगह रह गई और इसमें एयर चली गई, देन इट विल ड्राई आउट फॉर श्योर। तो मैं आपको इसकी टिप दिखा देती हूँ। इसकी टिप कुछ इस तरीके से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। आप इससे अच्छे से एक विंग लाइनर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। आई थिंक ग्रीन शेड ही लगाना चाहिए, बिकॉज आई एम वेयरिंग ग्रीन राइट नाउ, सो लेट्स जस्ट यूज़ द ग्रीन आई लाइनर। मैं इधर आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ, देन आगे मैं आपको स्वचेस दूंगी इसके। ओके, सो पिगमेंटेशन अभी कम आ रहा है। इफ़ यू वॉन्ट ग्रेट पिगमेंटेशन, देन यू नीड टू शेक द प्रोडक्ट, उसके बाद आप लगाओ तो थोड़ी अच्छी पिगमेंटेशन आएगी। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ स्लाइट विंग, एंड यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। द शेड इज ऑल्सो रियली नाइस। नाउ लेट्स डू दिस ऑन द अदर आई एज वेल। आई थिंक फेल टिप से ना विंग लाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप देख सकते हो इतने मस्त से मेरे विंग बन गए हैं। वैसे ही ना लाइनर लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, कैमरे पे तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। सो यू गाइस कैन सी कुछ इस टाइप की इसकी पिगमेंटेशन है, विच आई विल से काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट इसकी पिगमेंटेशन है। एंड दिस आई लाइनर डस स्टे गाइस, इसकी स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की स्मज भी नहीं होता है। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, एंड देन वील टॉक अबाउट द शेड्स। सो पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की इसकी पिगमेंटेशन है, एंड आप इससे पतले से पतला, मोटे से मोटा विंग लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लगा के दिखा दिया। इसकी जो फिनिश है दैट इज़ मैट फिनिश, एकदम
मैट लगता है कि आइज़ पे, विच इज़ नाइस एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि मैंने यूज़ करे हुए हैं, सो आई मस्ट से दैट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लाइनर्स हैं ये. ओके, सो दिस इज़ वाटर रेसिस्टेंट, दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ. वाटर रेसिस्टेंट है मतलब कि अगर थोड़ा बहुत पानी आपकी आँखों में लग भी जाता है तो ये हटने नहीं वाला है. एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर प्रूफ. ओके, ब्लैक वाली की मैंने आपको पिगमेंटेशन दिखाई कितनी ज़्यादा अच्छी. अगर आपको मेरी मेहंदी पर ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ. सो दिस इज़ ब्लैक वाली की पिगमेंटेशन, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन, एकदम जेट ब्लैक कलर है और एकदम मैट है. ब्लैक वाला जो था ना, इसका नाम ब्लैक डायमंड है एंड देन आई हैव द ब्राउन वन और इसका नाम है ब्रॉन्जाइट. और आप देख सकते हो कितना मस्त सा इसका शेप है, स्क्वायर शेप में ही आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है. ओके, सो दिस इज व्हाट द ब्राउन शेड लुक्स लाइक. आई नो मैं बहुत गंदी स्वॉचेस कर रही हूँ, बट एक ब्राउन शेड भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है. देन नेक्स्ट आई हैव ग्रीन शेड जो कि मैंने अभी लगाया है अपनी आँखों पे, एंड अगेन द ग्रीन शेड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक काफ़ी डिफरेंट टाइप का यू नो ग्रीन कलर है इसका. देन लास्टली मेरे पास है ब्लू. एक्चुअली ब्लू वाले का नाम सफायर है और ग्रीन वाले का नाम जेड एनवी है. सो दिस इज़ हाउ सफायर लुक्स लाइक, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर यू कैन सी. चारों कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ब्लैक डायमंड, ब्रॉन्जाइट, जेड एनवी एंड सफायर. हम इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं, थोड़ा सा इसे ड्राई होने देते हैं, सेटल होने देते हैं, फिर हम इसे स्मज करके देखें. ओके गाइस, तो ये आईलाइनर्स जो है एकदम यू नो ड्राई हो चुके हैं एंड अब हम इसे स्मज करके देखते हैं. सो यू गाइस कैन सी कि मैं कितना तेज़ इसको रगड़ रही हूँ, बट स्टिल कुछ भी यू नो ऐसे हटा नहीं है. यू गाइस कैन सी दीज आर प्रिटी प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग गाइस, आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ. और आपको ये कभी भी अच्छी डील में मिल रहा है ना तो बस ले लो, बिकॉज द शेड्स आर ऑल्सो रियली नाइस. पहले से सिर्फ तीन शेड्स थे, ब्लैक डायमंड, जेड एनवी एंड ब्लू सफायर, बट अभी ब्रॉन्जाइट न्यू लॉन्च हुआ है तो मैंने सोचा चारों का ही आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ. चारों शेड्स कमाल के हैं और मुझे तो जब भी विंग लाइनर लगाना होता है मैं इसे ही यूज़ करती हूँ एंड दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि दीज आर मैट, बिकॉज आज तक मैंने जितने भी फेल टिप वाले लाइनर्स यूज़ करें, फ्लेक्स टिप वाले, ग्लॉसी फिनिश देते हैं. फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक ग्लॉसी फिनिश एट ऑल. और इसकी जो टिप है ना, ये फेल टिप होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से यू नो ये फ्लेक्स भी हो जाती है. सो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. एंड आप जब भी इन लाइनर्स को लो और इन्हें स्टोर करो तो जैसा मैंने आपको बताया आप वैसे ही इसको स्टोर करना. एंड बस गाइज, आज की रिव्यू वीडियो के लिए इतना ही. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको पसंद आई हो. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.